गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ टाइम फॉर चैप्टर 20, फेमस इंडियन पेंटर्स। ये चैप्टर है, इसमें कुछ फेमस इंडियन पेंटर्स के बारे में बताया गया है। राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग, उनका नेम लिखना है। शी वॉज ए रेनाउंड इंडियन पेंटर। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट कैरिस्मेटिक एंड प्रोमिसिंग इंडियन आर्टिस्ट ऑफ द प्री कॉलोनियल ईरा। मोस्ट ऑफ हर पेंटिंग इफेक्ट रिफ्लेक्ट विविडली हर लव फॉर द कंट्री एंड मोर इम्पोर्टेंटली हर रिस्पॉन्स टू द लाइफ ऑफ इट्स पीपल। दैट्स आंसर इज अमृता शेरगिल। यानी कि अमृता शेरगिल एक रेनॉइंड यानी कि फेमस इंडियन पेंटर थी, जो कि प्रोमिसिंग इंडियन आर्टिस्ट, यानी कि जो अपना प्रोमिस करती थी वो उसे पूरा कंप्लीट करती थी। और इनकी जो पेंटिंग थी वो विविडली यानी कि ताज़ा फ्रेशनेस को रिफ्लेक्ट करती थी, लव को रिफ्लेक्ट करती थी, और अपने कंट्री के ऊपर भी उन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी। और जो पेंटिंग्स बनाती थी जो लाइफ से रिलेटेड होते थे उनसे उनके उनकी पेंटिंग्स बनाती थी अमृता शेरगिल। नेक्स्ट, ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंड इन्फ्लुएंशियल पेंटर्स ऑफ द 20th century। He was born in a middle class family in 1887 at Palliator village in Bankura district of Bengal. His father Ramratan Roy was an amateur artist who after resignation from government service spent the rest of his life in his village amidst the potters. Yani ki iska answer hai Gemini Roy. Yani ki jo Gemini Roy the wo 19th century के पेंटर थे, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली में 1887 में एक बंगाल की बंकुरा डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे। और इनके जो फादर हैं राम रतन रॉय, वो भी एक आर्टिस्ट थे जो कि गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर होने के बाद वो अपने गांव चले गए, वहीं पर ही अपना वक्त उनकी टाइम स्पेंड किया, वहीं पर ही रहने लग गए। नेक्स्ट, He is considered as one of the great painters in the history of Indian arts. He is famous for his depiction of scenes from the epics of Mahabharata and Ramayana. He is the most remembered for his paintings of beautiful sari clad woman who was portrayed as very shapely and graceful. He is considered as the modern among traditionalist and rationalist among moderns. इसका ये जो है ये राजा रवि वर्मा है, वो एक इंडियन आर्टिस्ट थे जो कि इंडियन हिस्ट्री में उन्हें बहुत ही अच्छा ग्रेटेस्ट पेंटर माना गया है, कंसीडर्ड यानी कि माना गया है। इन्हें हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट में बहुत ही अच्छे ग्रेट इनकी ग्रेटेस्ट पेंटर माना गया था। एंड ये जो इनके कुछ फेमस सीन्स हैं जिन्हें उन्होंने इन तस्वीर में उतारा था, वो थे महाभारत एंड रामायण के। एंड इन्हें इनकी जो पेंटिंग जो याद की जाती है वो थी कि अब वुमेन को साड़ी में पहने हुए जो इन्होंने जो उस पेंटिंग बनाते थे उसको वो एकदम शेपली एंड ग्रेसफुल बहुत ही खूबसूरती से बारीकी से बनाते थे। एंड इन्हें परम्परावादी ट्रेडिशनलिस्ट एंड की परम्परावादी रेशनलिस्ट एंड की तर्कवादी माना जाता था वो थे राजा रवि वर्मा। नेक्स्ट, ही वॉज बोर्न ऑन September 17, 1915 इन पंधरपुर महाराष्ट्र। ही लॉस्ट हिज मदर व्हेन ही वॉज 1.5 ईयर ओल्ड। हिज फादर रीमैरिड एंड मूव टू इंदौर। ही डिड हिज स्कूलिंग फ्रॉम इंदौर। इन 1935 ही मूव टू बॉम्बे एंड जॉइंट सर जे जे स्कूल ऑफ आर्ट। इनकी ये हैं एम एफ हुसैन। ए हुसैन ने इनका बॉर्न 17 सितंबर 1915 में हुआ था महाराष्ट्र में पंढरपुर गांव में। और इनकी जो मदर थी जब ये 1.5 ईयर के थे तभी इनकी मदर की डेथ हो गई थी। एंड उसके बाद इनके फादर ने दूसरी शादी करी और इंदौर चले गए थे, और इंदौर में ही इन्होंने अपनी स्टडी की थी। 1935 में ये बॉम्बे आए थे और इन्होंने स्कूल ज्वाइन करा था सर जे जे स्कूल, जो कि एक आर्ट का स्कूल था। नेक्स्ट, ही वॉज अ वेल नोन इंडिया आर्टिस्ट हु हैज
known all over the world for his brilliant painting. A multifaceted personality, he also dabbled in filmmaker and made a mark there. He held the record for the highest price for which an Indian painting has ever been sold in a public auction. It was his celebration that on being sold for 15 million under rupees $3 lakh USD gave him his honor. इनकी ये और ये हैं टाइप तैयब मेहता. इनके जो तैयब मेहता हैं वो भी एक आर्टिस्ट थे जिन्हें पूरे वर्ल्ड में जाना जाता था. ये भी बहुत ब्रिलियंट पेंटिंग करते थे और ये मल्टीफेस्ट पर्सनालिटी थे. यानी कि ये पेंटिंग बनाने के साथ साथ इन्होंने फिल्म मेकर में फिल्मों में भी काम किया था. वहाँ पर भी अच्छा काम किया था, नाम कमाया था इन्होंने. एंड इन्हें जो है 15 मिलियन इंडियन रुपीज़ यानी कि अगर डॉलर देखें तो $3 लाख दिया गया था इनके सम्मान में, इन्हें दिया गया था जो इनका सेलिब्रेशन हुआ था. एंड इनकी जो पेंटिंग्स थी बहुत ही बारीकी से पेंटिंग बनाते थे, बहुत ही अच्छी पेंटिंग बनाते थे, वो थे तैयब मेहता. नेक्स्ट, शी इज़ अमंग इंडियाज़ लीडिंग कंटेम्प्रेरी फीमेल आर्टिस्ट हु हैव क्रिएटेड अ नेम for themselves in the domestic as well as international art scenario. Her work are a part of significant painting collection across the globe. One of the artwork Yatra was recently picked up by the Asian Art Museum of San Francisco at California in the year 2006. ये हैं एंजली एला मैनन. इनकी ये भी एक वुमेन थी. इन्होंने इनकी भी एक बहुत अच्छी पेंटर थी, ये भी बहुत अच्छी पेंटिंग करती थी. एंड इंटरनेशनल लेवल पर भी इन्होंने इंटरनेशनल के लिए भी इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी. एंड इनकी जो पेंटिंग्स का कलेक्शन था वो अक्रॉस द ग्लोब को अक्रॉस कर रहा था. एंड इनका जो वर्क था वो बहुत ही बारीकी से वर्क अपना करती थी. इनकी पेंटिंग जो थी बहुत ही बारीकी से बनाती थी. एंड आर्ट म्यूजियम इनकी जो वर्क था यात्रा वो आशियन आर्ट म्यूजियम के में भी इन्होंने एक यात्रा की थी. इनकी वहाँ भी गई थी कैलिफोर्निया में 2006 में, वो थी एंजेली एला मैनन. तो ये 6 फेमस इंडियन पेंटर्स हैं जिनके नेम आपको लर्न होने चाहिए. एक अमृता शेरगिल, जेमिनी रॉय, राजा रवि वर्मा, एम एफ हुसैन, तैयब मेहता, एंजेली एला मैनन. ये 6 पेंटर्स के नेम हैं, ये आपको लर्न करने हैं. योर चैप्टर 20 इज़ कम्प्लीट.